हेलो वालेकुम पाकिस्तान दिस इज़ एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम आज का हमारा टॉपिक है द इंडिजिनस तेजाज़ वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि हमने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि अक्सर जो कार्टून हैं वो ये बात करते हैं कि जेब सेवनटीन थंडर है वो इंडिजिनस जहाज नहीं है हमने हमेशा से ये बात कही है कि जेब सेवनटीन थंडर जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर है और जब उनको तेजस के बारे में कोई बात कही जाती है कि इसकी टाइम लाइन बहुत एक्सटेंडेड है या इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा है तो वो ये कहते हैं कि हमने इंडिजिनस जहाज़ बनाया है इसलिए हमें वक्त ज़्यादा लगा है इंडिजिनस कहते हैं ख़ुद बनाने को या खुद डेवलप करने को भाई दबा हम ये बात यहां पे बताते चलें कि तेजस को इन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 40 साल से ऊपर का अरसा हो चुका हुआ है तो चलें बात शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एयर फ्रेम की इसका जो एयर फ्रेम है वो फ्रांस की कंपनी डजॉल्ट एविएशन ने डिजाइन किया है अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने बेसिकली जो विंग सेक्शन है वो साब वेगन का यूज किया है और जो कॉपेड सेक्शन है या इसको आप फ्रंट सेक्शन कहते हैं वो उन्होंने मिराज टू थाउजेंड का यूज किया है तो अगर आप मिराज टू थाउजेंड का कॉपेट और साफ विघन के विंग्स आपस में जोड़ दें तो आपको हाल तेजस का एयर फ्रेम मिल जाएगा सो so बेसिकली ये है जिसके अंदर चालीस साल लगे हैं अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ तेजस के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो जनरल इलेक्ट्रिक का एफ फोर ओ फोर जी ई आई एन ट्वेंटी इंजन है जो कि यूएस से प्रोक्योर किया है अब चलते हैं इसके रडार की तरफ ये रडार यूज करता है एल्टा का जो कि एक इजरायली कंपनी है रिडार का जो स्पेसिफिक मॉडल है वो है ई एल एम टू जीरो थ्री टू और जितने भी इसके एवियोनिक्स हैं वो भी एल्टा के ही ये यूज करता है फायदा भी ये वही रिडार है जो लावी के लिए डिजाइन किया गया था और ये एस रेडार नहीं है अब आ जाते हैं इसके टारगेटिंग पॉड के ऊपर ये लाइटनिंग थ्री टारगेटिंग पॉड यूज करता है जो कि इसराइल की रफेल इंडस्ट्रीज ने बनाया है अगर हम बात करें इजेक्शन सीट की तो ये मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट यूज करता है जो बेसिकली यूके की प्रोडक्ट है अगर हम डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की बात करें तो वो बेल ने डिजाइन किया है तो ये करता है, -73, जो का है। इसके अलावा आई डरबीआर या पाइथन की जितने भी ये वेरियंट यूज करता है वो तमाम इसराइली है अगर हम बात करें एयर टू ग्राउंड मिजाइल की तो ये फिफ्टी नाइन के एच थर्टी फाइव और तमाम के एच के वेरियंट्स जो कि रशियन है इसके अलावा ये स्पाइस यूज करता है जो कि इजरायली है फ्रांस का हैमर मिसाइल भी ये यूज करता है हम यहाँ पे ये बात बताते चले कि हम तेजस मार्क वन की बात कर रहे हैं अगर हम इन तमाम फैक्ट्स के ऊपर नजर डालें जो कि अभी हमने वीडियो में बताए हैं तो इससे यह पता चलता है कि 40 साल के अरसे में इंडिया इन तमाम चीजों को जो उसने दुनिया से प्रिक्योर किए हैं उनको जोड़ने में मसरूफ है तो इसके ऊपर ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जिसको इंग्लिश में कहते हैं अ बैड वर्क्समैन कॉरल्स विद हिज टूल्स आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद